हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अमित पंघाल आपके पंघाल फिटनेस पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डू प्रॉपर स्क्वैट्स। ओके, तो आज हम बात करेंगे स्क्वैट्स की, क्योंकि जो मैसेजेस थे वो सबसे ज़्यादा स्क्वैट्स के थे कि पोजीशन बताइए। तो स्क्वैट्स बताने से पहले उसकी पोजीशन, स्क्वैट्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे सरफेस की, क्योंकि जहाँ से स्क्वैट्स स्टार्ट होती है। तो चलिए, तो बात करते हैं सरफेस की। तो जब भी आप स्क्वैट्स करें, जहाँ भी करें, जिस जिम में करें, प्लीज़ जहाँ आप स्क्वैट्स करते हैं वो देख लें कि सॉफ्ट ना हो आपका सरफेस, दबे ना ऐसे, ऐसा सरफेस हो। ओके, ठोस जिसे बोलते हैं। ओके, तो जितना सॉफ्ट सरफेस होगा आपका, उतनी ही पावर कम यूज़ कर पाएंगे आप अपनी स्क्वैट्स में। ओके, और आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम आएगी सॉफ्ट पे स्क्वैट्स करने से। हार्ड सरफेस बेस्ट होता है आपकी स्क्वैट्स के लिए, बेस्ट क्या वही सही होता है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं आपके शूज़ की, क्योंकि कह रहे थे सर बताएं शूज़ के बारे में, गाइड करें स्क्वैट्स के टाइम कैसे पहने वर्कआउट के टाइम। सिंपल सा फंडा है, फ्लैट सरफेस जिनका हो, ये जो शूज़ हैं फ्लैट सरफेस वाले यूज़ करें। सीधा बोले तो आपके जो पीटी शूज़ होते थे स्कूल टाइम में, वाइट कलर के जो हम पहनते थे स्कूल टाइम में, सबसे बेस्ट हैं। और मैं तो हैवी स्क्वैट्स नंगे पैर ही करता हूँ, इसमें क्या है यार, सेफ्टी फर्स्ट। और प्लीज़ गाइस, ये रनिंग शूज़ स्क्वैट्स के टाइम यूज़ ना करें। ओके, जिनकी सॉफ्ट सोल होती है, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी लोअर बैक में सॉफ्ट सोल की वजह से, और पावर भी नहीं आएगी, और आपके नीज़ पे और आपके शोल्डर पे प्रेशर ना पड़े, इसलिए सॉफ्ट सोल होती है रनिंग शूज़ की। ओके, लेकिन इन्हें स्क्वैट्स में यूज़ ना करें। ओके, तो चलिए अब मेन टॉपिक पकड़ते हैं अपना स्क्वैट्स। तो चलिए गाइस, अब स्क्वैट्स की प्रॉपर पोजीशन बता देते हैं जो बिगिनर्स हैं पहले उनके लिए, फिर एडवांस लिए। जो घर में स्क्वैट्स करते हैं करती हैं बिगिनर्स, ये पहली बात तो ये लेग्स को दिखा देते हैं, ये कईयों को देखा होगा। अपने नीज को स्ट्रेट रखें, अपने नीज को ये रखें वो रखें, कुछ नहीं है भाई ऐसा। अपने शोल्डर की विड्थ चौड़ाई देख लें कितनी है, उतने हिसाब से लेग्स को कर लें। ठीक, और लिटल बिट हल्का सा भार, बस इतना, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, ना अंदर हो, ऐसे ना हो, नहीं तो सारा जो लोड है, जो आपका बॉडी का वेट है वो आपके नीज पे आएगा। ऐसे अंदर ये हल्का सा ही रखें, बस हल्का सा। ओके, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए, कुर्सी पे बैठते थे, चेयर पे आप लोग बैठते हैं, सिंपल अपने हिप्स अपनी तशरीफ रखें, सिंपल। ओके, ये तो बिगनर्स के लिए हो गया, ज्यादा नीचे नहीं जाए स्टार्टिंग अपना स्क्वेयर्स, ऐसे नॉर्मल स्टार्ट करें। ओके, अपने नीज को अपने टोस से आगे नहीं लाना। ओके, ये तो था बिगनर्स, दोबारा दिखा देता हूं एक बार जी। ओके, तो अब बात करते हैं जो जिम में वर्कआउट करते हैं गर्ल्स बॉयज, जो भी जो एडवांस करते हैं थोड़ा बारबेल के साथ स्क्वैट्स करते हैं, उनका दिखा देते हैं। सबसे पहली बात आपकी स्क्वैट्स की, ब्रीद आउट कहाँ करना है, ब्रीद इन कहाँ करना है, पोजीशन क्या है, सब बताएंगे। ओके, स्क्वैट्स करते हो मैंने कईयों को देखा है ब्रीद आउट गलत करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं विदाउट वेट कर रहा हूं, मैं सोचे खाली रोड से कर रहा है, सोचे सोचते ना मेरे घर में। ये सिंपल सा फंडा है, लेग्स को जो बताया था, अपने टोस को अंदर ना रखें, सीधे हल्का सा लिटिल बिट थोड़ा आउटर रखें। जब नीचे जाए सांस को, दोबारा बता देता हूं, अब मैं नीचे जाऊंगा तो सांस को होल्ड करूंगा, जब ऊपर उठूंगा तब ब्रीथ आउट करेंगे, सीधी सी बात ऐसे। ये तो था आपका ब्रीथ आउट का। ओके, तो ये तो था आपका ब्रीथ आउट का फंडा, आप बात करते हैं स्क्वैट्स की, इतना जाना है। ओके, कईयों को देखा मैंने स्क्वैट्स, भाई ये हो गया तेरा, अब तो
टाइम बर्बाद कर रहा है, क्या दिखा रहा है वेट अभी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट थोड़ा कम भी चलेगा बट पोजिशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, पोस्चर ठीक होना चाहिए। तो ये पोस्चर है आपकी स्क्वाट्स का, ओके। तो गाइस ये थे आपकी स्क्वाट्स, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, देखते हैं आपके क्या मैसेज आते हैं, ओके ओके बाय।